हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि मालूम है, जीएस प्लस की क्लास में मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूं, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान से संबंधित सारी चीजें। चूंकि अगर आप एक जो है दिवसीय किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी है, चाहे आप बीएसएससी है, चाहे यूपी ट्रिपल एससी है, रेलवे की परीक्षा है, कोई भी, सभी में इस विषय से संबंधित सवाल होते ही होते हैं। साथ ही अगर आप जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं किसी भी राज्य स्तर की, मैं उत्तर प्रदेश विशेष की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश राज्य में 150 प्रश्न आपके प्रीलिम्स में होते हैं, अपर पीसीएस में। उसमें लगभग जो पॉलिटी का जिक्र होता है प्रीलिम्स में, वो लगभग 18 से 20 प्रश्न के बीच में दायरा इसका होता है, प्रश्नों को पूछा जाना। यानी अगर आपको इस बार भी बैठना है तो वहां पर आपको पॉलिटी बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए। मैं जिस अनुसार आपको क्लासेज इसमें समेटा जाता है जीएस प्लस में, चाहे हिस्ट्री है चाहे पॉलिटी है, हम सबसे छोटे लेवल से लेकर सबसे बड़े लेवल तक चलते हैं कि इन दोनों के बीच में जो आप में समझ होनी चाहिए, बेस को जो है समझना चाहिए, हम उस पर जरूर एक बार आपको कोशिश करते हैं कि बेस को हम समझाएं, ताकि आपका हर एक बिंदु, हर एक पहलुओं से सोचने की क्षमता बढ़े। वही चीज अगर भारतीय राज्य व्यवस्था आप मेंस में जाओगे, ठीक है, तो वहां पर आपको जीएस के सेकंड पेपर में मिलेगा, वहां पर भी इसका रोल गवर्नेंस, यानी वहां शासन भी जुड़ जाता है, ठीक है। तो शासन वो चीजें थोड़ी सी कुछ इसी के आपके ऐसे पार्ट होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में आप पढ़ते हैं, ठीक है, उन्हीं पार्ट पर व्यापक परिचर्चा जो होती है वो शासन के अंतर्गत होती है, उन्हीं को हमें समझना होता है। बाकी जो है सिंपल, जहां से प्रश्न बनते हैं, अगर आप प्रश्न पत्र मेंस का उठाओगे तो उसमें भी जो चीजें मैं बता रहा हूं आज, जैसे मैं आपको टॉपिक फंडामेंटल राइट्स बताने जा रहा हूं, मौलिक अधिकार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे आपके प्रश्न, क्योंकि वर्तमान में जितनी चीजें चल रही है, अधिकार एक ऐसी चीज है ना कि वर्तमान में जितना कुछ हो रहा है सब किसी ना किसी वर्चस्व की वजह से ही हो रहा है, विश्व में चाहे आप देखोगे, ठीक है। अगर हम व्यापारिक चीजों को लेकर चले, वहां पर भी व्यापारिक अधिकार के टकराव होते हैं आपस में, ठीक है। मतलब अगर आप सामरिक बिंदुओं पर नजर डालेंगे, क्योंकि जीएस के सेकंड पेपर में आपका ये भी पॉइंट और करेंट का दोनों एक साथ होता है, तो उसमें यही वजह है। आप भारत जैसे कोई भी आपका न्यायालय से जुड़ा मुद्दा आया, अगर उसका निर्णय आता है तो वहां तुरंत ही अधिकारों की ही बात हो जाती है, या भारतीय संविधान में जो कुछ लिखा है उन्हीं पर, इन पर भी प्रश्न बनते रहते हैं। तो शासन में ये चीजें आपको वहां पर बहुत अच्छे से समझनी होती है, जीएस के सेकंड पेपर में आपका पूछता ही। तो मैं प्रीलिम्स वाला और जो आपका पूरा आधार है मेंस के लिए भी है, उन आधारों पर सारी चीजें बता रहा हूं। बहुत अच्छे से ध्यान से मेरा हर एक लेक्चर देखें। आज ये लगभग जो है पॉलिटी में भाग 3 है, लेकिन इससे पहले लगभग 12 या 13 क्लासेस हो चुकी हैं। मैं बहुत शॉर्ट आपको पढ़ाता भी हूं, मतलब छोटी चीजें, लेकिन वो उस अनुसार होती हैं कि आप बहुत कम में आप बहुत कुछ जान जाओ। मैं इसी पर काम करता हूं, पूरी टीम इसी पर बहरहाल फोकस रहती है। और आप सभी जानते हैं कि यह जो तमाम आपके वीडियोज हैं जो टीम के द्वारा दिए जा रहे हैं, ये सब कुछ निःशुल्क है, क्योंकि हम 10 प्लस कोर्स के अंतर्गत बहुत सारे अलग अलग जो है संस्थाओं के द्वारा आयोजित जो है कराई जाने वाली परीक्षाओं को कवर कर रहे हैं। तो इसमें आपको करना क्या है, बस टीम के साथ जो वीडियोज आपको उपलब्ध कराए जाते उनको हर दिन देखते रहिए, अच्छे से देखिए, मतलब वीडियोस को देखना, उसके बाद जो हम नोट्स देते हैं उनको पढ़ना। इसको आप अगर ढंग से करोगे तो आपको समय लगेगा, ठीक है। तो उनको करते रहिए डेली बेसिस पर, आप में स्वयं ऐसी चीज लगेगी कि 6 महीने हो गया या 4 महीने हो गया, जब सारी चीजों को आप पढ़ लेंगे तो आपको ऐसा स्वयं से आभास होगा कि अच्छा, अब कुछ चीजें मुझे आने लगी हैं। और परीक्षा में चूंकि आप जानते हो, एक टॉप करने वाला व्यक्ति भी ये नहीं जानता कि उसे सब कुछ मालूम है, ठीक है। तो वहां पर यहां जो चीजें मैं आपको जिन आधारों पर बता रहा हूं, आप सफल कैसे होंगे, मेरा पूरा जो है प्रयास होता है कि इस बिंदु को लेकर मैं आपसे सारे टॉपिक्स को क्लियर करूं। तो इसमें भैया अगर आपको नोट्स चाहिए, ठीक है, तो नोट्स के लिए आप सारे लोग 3 महीने का प्लान ले लीजिए और आराम से क्लास के बाद हर एक नोट्स को भी बेहतर ढंग से पढ़ें। बहरहाल जो लोग नोट्स नहीं लिए हैं और क्लासेज को प्रॉपरली देख रहे हैं, ठीक है, चीजें पर्याप्त हैं, आप यहां से नोट्स बना सकते हो तो भैया बनाइए, ठीक है, उसमें हमारी जबरदस्ती नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आज मैं जो आपसे शुरुआत करने जा रहा हूं कि फंडामेंटल राइट्स होते क्या हैं,
इन पर बहुत विधिवत चर्चा करनी है। जैसा कि आप सभी ने आप जो भी हिसाब से आपने पढ़ा होगा, यहाँ बहुत सारी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी, आपको लगेगा कि अच्छा कुछ नया सीख कर गए हैं। इसीलिए आप मेरे लेक्चर्स को बहुत ध्यान से देखा करिए, इसमें बहुत सारे ऐसे बिंदु आपको नए मिलेंगे जो आपने नहीं ध्यान दिया है। फंडामेंटल राइट्स यानी इनको मूल अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं। सबसे बड़ी चीज आती है कि आपके ये जो फंडामेंटल राइट्स भारतीय संविधान में रखे गए, इनको लाने के पीछे तर्क क्या रहा। ठीक है, हम इनके दो संदर्भ देखते हैं, एक तो विश्व के इतिहास को देखते हैं और दूसरा भारतीय जो है इतिहास को देखते हैं, और वो भी संवैधानिक इतिहास में खासकर। ठीक है, उससे पहले कुछ चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, मेरे प्रश्नों के जवाब पर आपका दिमाग जरूर घूमना चाहिए। अधिकार क्या होते हैं, राइट्स क्या होते हैं, नैसर्गिक अधिकार क्या होते हैं, मानव अधिकार क्या होते हैं, ह्यूमन राइट्स जिनको आप बोलते हो, ठीक है, यूनिवर्सल राइट्स क्या होते हैं, फिर उसी में एक आता है फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। इन सारी चीजों पर कभी आपने सोचा, अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मानव अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकार क्या है, इन सारी चीजों पर आपका दिमाग जरूर सोचता होगा। देखिए, अगर हम आपसे बात करें कि राइट्स क्या हैं, अधिकार क्या हैं, तो अधिकार एक चीज आप यह जान लें कि जब मानव धीरे धीरे समाज को अपने एक सभ्य समाज की ओर बनाने लगा, कबीला बना, कबीले से छोटे छोटे राज्यों का प्रादुर्भाव हुआ, उन राज्यों का जो एक शासक बना वो कुछ नियम उसके लिए बनाए गए। ठीक है, जब आप धर्मशास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है, जो कुछ था किसी भी धर्मशास्त्र में, तो पहले चीजें धर्म से जुड़ी रही। ठीक है, राजा भी होता था, सब कुछ धर्म के अधीन था। तो वहां पर आप पढ़ते हैं कि राजा को जब कबीले वालों ने एक व्यक्ति को राजा बनाया, तो उस राजा को यह कहा कि आप उस भगवान के बराबर हमारे लिए हैं, आपकी जुबान उसके बराबर होगी, यानी उसको ईश्वर का दर्जा दिया गया। लेकिन वहीं दूसरी बात, उसको न्याय से संबंधित और तमाम ऐसे अधिकार दिए गए कि आप इन इन मुद्दों पर हमारी बातों को सुनेंगे और आपके बातों को लागू करें। वही चीज कुछ चीजें ऐसी भी कही गई जिनमें जनता ने अपने अधिकार को रखा। तो वहीं पर यह बात, तब से यह प्रक्रिया चली आती है, जब हम लोकतांत्रिक किसी राष्ट्र की ओर पहुंचे, ठीक है, जब विश्व में सारे डेमोक्रेटिक आपके जो है राष्ट्र बनने लगे, गणतांत्रिक लोकतांत्रिक राष्ट्र बनने लगे, तो वहां पर बात आई कि अब गणतंत्र आखिर या लोकतंत्र, सबसे बड़ी चीज लोकतंत्र, अगर कोई राष्ट्र अपने आप को लोकतंत्र घोषित कर रहा तो लोकतंत्र में क्या क्या चीजें जरूरी हैं, यह मुद्दा आया। तो इस मुद्दे में आप सबसे पहली चीज यह जान ले कि जो अधिकार होते हैं, अधिकार लोकतंत्र की एक खूबी है। ठीक है, इस चीज का लोकतंत्र में होना बहुत जरूरी है। अगर कोई देश लोकतांत्रिक है और वहां पर मौलिक अधिकार नहीं है, तो वह देश आपका कहीं से भी लोकतांत्रिक नहीं होगा। यानी लोकतंत्र की एक खूबी है अधिकार। अधिकार वह है जिसके द्वारा या ऐसी सुविधा या ऐसी चीजें जिनको कानून की मदद से आप क्या कर सके, पा सके। यानी एक ऐसी सुविधा जिनको हम कानून के माध्यम से पा सके, वो अधिकार कहलाते हैं। समझ गए अधिकार की परिभाषा। यानी जो बेसिक लॉ होते हैं, बेसिक लॉ आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीके से होते हैं, उनके तहत, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों की प्राप्ति कर सकते हैं। यहां पर एक टर्म मैंने यूज किया कि कानून के तहत। ऐसी चीजें नहीं है कि आप जबरदस्ती किसी अधिकार को मांगने लगे कि नहीं, हम जो है अब जैसे भारत में तमाम चीजें ऐसी रहती हैं जो बहुत सारे अलग अलग चीजों की मांग है, लेकिन वो कानून के अनुरूप नहीं है, इसलिए आपको कोई भी ऐसा अधिकार नहीं मिल सकता जो कानून के अनुरूप ना हो। इसलिए हमेशा ध्यान रखना है, अधिकार वह सुविधा है जिसको हम कानून के द्वारा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब बात आती है मूल अधिकार क्या है, या सबसे पहले बात करते हैं मानव अधिकार क्या है। मानव अधिकार जो हमें मानव होने के नाते मिलते हैं, वह मानव अधिकार है। जो हमें मानव होने के नाते मिले हैं कि हम सभी मानव हैं, तो मानव में कुछ समानता है, उन समानताओं को लेकर हर एक राष्ट्र जो अपने नागरिकों को जो है नियम बनाते हैं, वह उनके नागरिकों को ही केवल ना मिले, अन्य जो आपके मानव उस राज्य में अगर प्रवेश कर रहे तो उनको भी वह अधिकार मिले। ऐसे अधिकारों को मानव अधिकार बोला जाता है, ह्यूमन राइट्स बोला जाता है। तीसरी बात यह आती है कि ये जो
फंडामेंटल राइट्स हैं ये क्या है, आखिर मौलिक अधिकार क्या हैं, तो मौलिक अधिकार आप हमेशा यह ध्यान रखिएगा कि कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र है तो उसकी सबसे आवश्यक जो तत्व है वह मौलिक अधिकार है। अगर कोई देश, कोई राज्य, कोई राष्ट्र आपका लोकतांत्रिक कहा जाता है तो उस राष्ट्र को लोकतंत्र वहां पर होने का जो मतलब है कि वहां पर लोगों के अधिकार हैं, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आप इसको डिस्क्राइब करना चाहो, अच्छे से बताना चाहो फंडामेंटल राइट को, तो आप यह भी बता सकते हो कि जो मौलिक अधिकार होते हैं या मूल अधिकार होते हैं, यह इतना विशेष होते हैं कि इनके छीने जाने पर किसी भी लोकतांत्रिक राष्ट्र में वहां पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट या सीधे हाई कोर्ट जा सकते हैं। अपने यहां जैसी व्यवस्था है, हम भारतीय संदर्भ में इसकी परिभाषा दे सकते हैं फंडामेंटल राइट्स की, यानी इसको अगर कहीं पर भी हनन होता है तो हम फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट जाते हैं, जहां पर हमारी सुनवाई होती है। तो फंडामेंटल राइट्स कितने ज्यादा जरूरी हैं, इन सभी विषयों पर आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि भारत में जब भारतीय संविधान बन रहा था तो उस समय मौलिक अधिकारों को कहां से हमने सीख लिया, कैसे कैसे विश्व में बहुत सारी चीजें आई। आज मैं जितना कुछ बात करूंगा वो तमाम चीजें आपकी सिर्फ बेस पर होंगी। जिन बेस को आपने कभी पढ़ा नहीं है ढंग से, उन चीजों को पढ़िए, बहुत ही आनंद आने वाला है। मतलब पूरी क्लास को आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको स्वयं से लगेगा कि बहुत सारी चीजों को हमने इग्नोर किया था, उन्हीं को समझते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 को जब आप पढ़ते हैं तो भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकारों का वर्णन होता है। भाग 3 में जब आप पढ़ना प्रारंभ करते हैं, अनुच्छेद 12 से यह प्रारंभ होकर के आपका कहां तक जाता है, अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का विधिवत वर्णन भारतीय संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 12 से यह शुरुआत होती है और अनुच्छेद 35 तक आप पढ़ोगे, वहां भारत में जो दिए गए लोगों को मौलिक अधिकार हैं उन मौलिक अधिकारों के बारे में परिचर्चा की गई है। अब यहां भी यह बात आती है, मैंने जब आपको सिटीजनशिप बताया भाग 2 के बारे में, जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो सिटीजनशिप में मैंने यह चीज जरूर रखी कि कोई भी राज्य है, उस राज्य का अगर नागरिक है तो उस राज्य के नागरिक और उस राज्य में जो किसी अन्य राष्ट्र का नागरिक है, इन दोनों को जो अधिकार मिलते हैं वह अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अगर कोई नागरिक है और कोई नागरिक नहीं है, ऐसा विभेद करना इसलिए जरूरी है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स हर किसी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। फंडामेंटल राइट्स वह राष्ट्र अपने राष्ट्र के निवासियों को कुछ विशेष देता है और जो उस राष्ट्र के गैर निवासी नहीं है उनको कुछ और देता है। यानी अगर मैं किसी दूसरे राज्य में जा रहा हूं जहां वहां का मैं निवासी नहीं हूं, तो मानव होने के नाते मुझे कुछ जो है अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को उस देश में भी मुझे मिलेगा, वहां पर वह अधिकार मेरे भी सुने जाएंगे। तो इन्हीं सारी चीजों को मैं बहुत सम्मिलित रूप से आपसे चर्चा करूंगा, एक एक पॉइंट को बहुत विधिवत ध्यान रखना है। बाकी मैंने बहुत अच्छे क्रम में इसको अरेंज भी किया है, वहीं से पढ़ना इसको हम प्रारंभ करते हैं। तो चलिए, जो कुछ मैंने आपको बताया अभी तक चर्चा किया वो सारी चीजें यहां पर है। अधिकार लोकतंत्र का निष्कर्ष है, निचोड़ है। अधिकार हमें अपना विकास करने का बेहतर विकल्प उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए आपको अधिकार दिए जाते हैं। दूसरी बात, मूल अधिकार संवैधानिक अधिकारों की एक शाखा है तथा इनके महत्व के आधार पर इन अधिकारों को विशेष दर्जा दिया जाता है। ये सीधे उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं, इनफोर्स होते हैं, लागू होते हैं। मूल अधिकार तथा सामान्य अधिकारों में अंतर क्या है, अगर इस विषय को बात किया जाए तो सबसे पहली चीज यह आती है कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, मूल अधिकार हैं, ये सकारात्मक भी होते हैं और नकारात्मक भी होते हैं। यानी सकारात्मक और नकारात्मक का अर्थ यह हुआ कि राज्य इन पर अपने अनुरूप प्रतिबंध भी लगा सकती है और दूसरी बात यह हुई कि राज्य इनको खत्म भी नहीं कर सकती है, हम राज्य से जबरदस्ती भी ले सकते हैं। तो यानी ये नकारात्मक तरीके के भी हैं और सकारात्मक तरीके के, दोनों होते हैं आपके मौलिक अधिकार।
दूसरी बात अगर हम बात करें, अधिकार देश के सामान्य विधि द्वारा संरक्षित होते हैं। अगर हम सिर्फ राइट्स की बात करें तो जो आपके राइट्स होंगे वह देश की सामान्य विधि, सामान्य विधि का मतलब आपका संविधान भी उसी के अंतर्गत है। देश की सामान्य विधि द्वारा अगर किसी का संरक्षण हो रहा तो वह अधिकार के अंतर्गत होगा, जबकि मूल अधिकार देश के संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं। अब बेसिक लॉ सामान्य विधि, यहां कोई अन्य विधियां भी हम ला सकते हैं, कोई अधिनियम भी हो सकता, कुछ भी हो सकता है सामान्य विधियों में, लेकिन मौलिक अधिकार अपने यहां देश के संविधान द्वारा संरक्षित होते हैं, या किसी भी देश में आप देखोगे तो उसके संविधान में मौलिक अधिकारों को विशेष तरजीह दी जाती है। ठीक है, हम इस तरीके से पढ़ सकते हैं। मूल अधिकार विधायिका और कार्यपालिका दोनों के अधिकार को सीमित करने का कार्य करते हैं। विधायिका यानी लेजिस्लेटिव और कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव, इन दोनों के जो अधिकार होते हैं इनको सीमित करता है कौन? फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। जबकि जो अधिकार केवल होते हैं यह केवल किन पर लागू होते हैं? यह केवल कार्यपालिका पर लागू होते हैं, यानी कार्यपालिका के कार्य को सीमित करने का कार्य करता है अधिकार। लेकिन कार्यपालिका और विधायिका के दोनों के कार्यों को सीमित करने का कार्य करता है आपका मौलिक अधिकार। आगे बात करते हैं, संविधान में मूल अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय में अपील करने का अधिकार है। अगर आपके मौलिक अधिकार छीने जा रहे तो आप अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकते हैं। दूसरी बात, सामान्य अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध होता है तथा कुछ मामलों में राज्य के विरुद्ध उपलब्ध होता है। मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध प्रवर्तनीय है, यानी इनको व्यक्ति के विरुद्ध हम नहीं लगा सकते। ठीक है, अगली बात, यहां राज्य के विरुद्ध से तात्पर्य यह हुआ कि राज्य कोई ऐसी विधि या कानून नहीं बना सकता जिससे मूल अधिकारों का कहीं भी हनन हो या मूल अधिकार हमारे नष्ट होते हों। आगे बढ़ते, सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं होते, इस चीज को आपको बहुत अच्छे से जानना है। सभी संवैधानिक अधिकार मूल अधिकार नहीं होते, जबकि सभी मूल अधिकार संवैधानिक अधिकार होते हैं, यह चीज आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। समझ गए? तो मूल अधिकार और अधिकारों में क्या अंतर होता है, इस चीज को आपने बहुत अच्छे से समझा। अब हम पढ़ने जाते हैं, भारत में फंडामेंटल राइट्स क्या संविधान निर्माताओं ने अपने हिसाब से शामिल किया? अगर अपने हिसाब से शामिल किया तो क्या भारत में जब हमारा इतिहास बन रहा था तभी हमने मौलिक अधिकार की मांग की? अगर हमने मौलिक अधिकारों की मांग संविधान में हमने शामिल किया तो जाहिर सी बात है इसकी मांग बहुत पहले से उठती रही होगी। इसी चीज में अगर आप देखें तो यहां से भी सवाल बहुत बार बने हैं, इसको समझिए। भारत में मूल अधिकारों के इतिहास की अगर बात की जाए तो बात थी कब, नेहरू प्रतिवेदन जो आपकी आई थी या नेहरू रिपोर्ट जिस जो 1928 में आपकी आई थी, इस नेहरू रिपोर्ट में अस्पष्ट रूप से मौलिक अधिकारों की मांग पहली बार झलक आपको दिखाई देगी। कब की बात है? 1928 की बात है, नेहरू रिपोर्ट के तौर पर इसको जानते हैं। नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना, किन किन मुद्दों की बात की कही गई थी, क्योंकि सवाल जो पूछा है लोक सेवा आयोग उसने इसी पॉइंट पर सवाल पूछा था कि नेहरू रिपोर्ट में किन किन बातों का जिक्र किया गया था। ध्यान दीजिए, नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना और अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने का आह्वान किया गया था। किसको? अल्पसंख्यकों को। दूसरी बात, कराची अधिवेशन के प्रस्ताव में व्यक्तिगत अधिकारों, यानी जो 1931 में कराची का अधिवेशन हुआ था उसमें भी, कांग्रेस के कराची अधिवेशन में भी व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतंत्रता के मुद्दे पर कुछ बिंदु शामिल किए गए। इनमें मूल अधिकार तथा न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने की और अस्पृश्यता यानी अनटचबिलिटी तथा दासता के उन्मूलन को लेकर भी बिंदु शामिल थे। यह भी पूछा गया है 1931 का कराची का अधिवेशन में कौन कौन से प्रस्ताव में पॉइंट शामिल थे, बिंदु शामिल थे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय संविधान में शामिल जो मूल अधिकार हैं यह अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से और ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट्स के साथ साथ फ्रांस के मानवाधिकार से प्रेरित हैं। बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, आप यूनाइटेड स्टेट्स पढ़ लेते हैं कि अच्छा यूनाइटेड स्टेट्स से लिया गया, लेकिन इसमें ब्रिटेन के बिल ऑफ राइट्स जो आया था
इसमें भी जो बातें कही गई थी उनको भी यहां पर थोड़ा निचोड़ा गया, और साथ ही साथ फ्रांस का जो मानवाधिकार आया था, इन सभी तथ्यों को इसमें बहुत अच्छे से शामिल करके फिर भारतीय जो है इसमें संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया। अगली बार अगर 1928 से पहले भी बात करें, ठीक है, तो इसमें कुछ जगहें और भी आपको मिलती हैं, कुछ ऐसे बिंदु मिलते हैं जहां पर मौलिक अधिकारों की बात हुई थी। साइमन कमीशन देख लिया जाए और संयुक्त संसदीय समिति ने इस आधार पर नामंजूर कर दिया कि अमूर्त घोषणाएं व्यर्थ होती हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की मतलब को लेकर जो मांग की गई, इन राइट्स को साइमन कमीशन ने भी पूरी तरीके से क्या कर दिया, निराधार बताया था। आगे बात करते हैं, ब्रिटिश सलाह की ओर से ध्यान न देते हुए संविधान निर्माताओं ने समाज के प्रत्येक सदस्य के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए मूल अधिकार अंगीकार किए। मूल अधिकार किसके लिए? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की प्राप्ति के लिए मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हर एक शब्दों पर ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये हर एक शब्द आपके क्या है, किसी ना किसी प्रश्न के जनक हैं। जितने प्रश्नों को आप सोच सकते हैं, आपकी सारी प्रश्नों के, ठीक है, उत्तर इस पूरे लेक्चर के बाद आपको मिल जाएंगे। ध्यान दीजिए, मौलिक अधिकारों को मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। मैग्ना कार्टा का अर्थ होता है कि अधिकार पत्र, मैग्ना कार्टा। 1858 में जब भारत, ठीक है, यहां की गुलामी, कंपनी की गुलामी से मुक्त होकर ब्रिटेन की महारानी की गुलामी जो है, ताज के गुलाम हुआ, तो यहां पर जो उन्होंने 1858 में एक पत्र जारी किया था विक्टोरिया ने, तो यहां का जो पढ़ा लिखा वर्ग था उसने उस पत्र को क्या बोला, मैग्ना कार्टा बोला था। तो ये मैग्ना कार्टा शब्द ब्रिटेन से ही आपका संबंधित है। यहां पर अगर मौलिक अधिकारों को बात किया जाए तो मौलिक अधिकार संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, अधिकार पत्र बोला जाता है। मूल अधिकार आपके दो प्रकार के होते हैं, बहुत अच्छे से समझिए। एक आपका अधिकार है भारत के नागरिकों को प्राप्त अधिकार, यह केवल और केवल भारत के नागरिक होने के नाते मिलता है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, इसको ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये पांच आपके फंडामेंटल राइट्स केवल आपको भारतीय होने की वजह से ही मिलेंगे। अगर आप भारतीय नहीं हैं, विदेशी व्यक्ति हैं, तो विदेशी व्यक्तियों को शेष सभी अधिकार अन्य प्राप्त हैं, लेकिन ये जो अधिकार है ये केवल आपके भारतीय नागरिकों को ही मिलते हैं, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत बार पूछा है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद केवल जो है भारतीयों को मिल सकता है, उसमें चारों ऑप्शन डाल देता है, फिर आप कंफ्यूज होते हो। अब बात करते हैं कि ये फंडामेंटल राइट्स जो अपने यहां आए, इनके फीचर्स क्या क्या है, विशेषताएं क्या है। देखो, अनुच्छेद 12 से इसकी शुरुआत होती है। 12 में डिफिनेशन ऑफ स्टेट्स है कि राज्य क्या है। हमने क्या बताया, हमने विशेषताओं में मौलिक अधिकारों को बताया कि मूल अधिकार को राज्य कहीं से भी ऐसी कानून नहीं बना सकते जहां से इनका हनन हो सके। अब हनन नहीं हो सकता है, यानी विशेष आपके अधिकार ये हैं जिनको राज्य छीन नहीं सकता, तो सबसे पहले यह बात आई कि राज्य क्या है। तो राज्य को परिभाषित किया गया अनुच्छेद 12 में बहुत व्यापक तरीके से। वहां राज्य का मतलब ये नहीं जो मैंने परिभाषा आपको राजव्यवस्था में सबसे शुरू में बताई थी कि राज्य अगर है तो उसका एक निश्चित भूभाग हो, उसकी जो है जनसंख्या के बारे में पता होना चाहिए, उसका एक शासक होना चाहिए, उसका एक संविधान होना चाहिए। ये राज्य के लिए मैंने आपको कंपलसरी चार चीजें बताई थी। यहां पर जो राज्य की परिभाषा है अनुच्छेद 12 में, वह राज्य की परिभाषा बहुत व्यापक है। अनुच्छेद 13 में वही चीजें आती हैं कि राज्य कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हो, अगर ऐसा होता है तो वह क्या होता, नन जीरो होता है। ठीक है, यानी वह बनने के बाद ही नहीं माना जाएगा, यह पावर होती है। दूसरी बात, मौलिक अधिकार जो आपके सशस्त्र बल है, कोई भी सशस्त्र बल, चाहे मिलिट्री है चाहे पैरामिलिट्री है, ठीक है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस बल है, यानी किसी भी स्टेट के पुलिस हो गई, गुप्तचर संस्थाएं हैं और ऐसी ही सेवाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद प्रतिबंध आरोपित कर सकती है। अब कोई सशस्त्र बल का सदस्य बोले कि हमें जो है दुर्गम इलाकों में सोना पड़ता है, हमें जो है
स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा, हमें स्वच्छ पर्यावरण नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो वह व्यक्ति क्या है, उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं मिले हैं पूरी तरीके से, उन पर संसद प्रतिबंध आरोपित करती है। ना तो कोई सशस्त्र बल का जो है सदस्य, ना तो अर्धसैनिक बल का, ना पुलिस बल का, ना गुप्तचर संस्थाओं का, ऐसा कोई भी सदस्य आपसे फंडामेंटल राइट्स की मांग नहीं कर सकता, ठीक है। उसके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल जब आप 33 पढ़ते हो, वहां पर इन सारी चीजों का रोक लगाती है, वह आपकी संसद है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं, दूसरी चीज, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये असीमित नहीं है, यानी हमें जो अधिकार मिल गए, अब हमें अधिकार मिल गया कि हम 18 प्लस हो गए तो हम सड़क पर बाइक चला सकते, तो इसका मतलब ये नहीं कि इधर से चले और आप लपेटते हुए जो कुछ रास्ते में आया सभी को लेकर चले गए, ठीक है। आप सड़क पर खड़े हैं, जो कोई आ जा रहा है उसको गाली दे रहे, मारपीट कर रहे, ऐसे आपके अधिकार नहीं है, ये असीमित नहीं है अधिकार आपके, ठीक है। यानी राज्य उन पर जरूरी प्रतिबंध लगा सकती है। इस बार इसी से आपका एक क्वेश्चन 19 वाले में बना था, ठीक है, 19 वाले में इसी से एक क्वेश्चन बना था। आगे बढ़ते हैं, अगली चीज है, अगर बात करूं मैं आपसे, क्या फंडामेंटल राइट्स जो आपको मिल गए ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे? नहीं भैया, ये अस्थाई नहीं है, ठीक है, ये अस्थाई नहीं है, संसद इसमें कटौती कर सकती है, लेकिन संविधान के मूल ढांचे को प्रभावित किए बिना संसद इसमें कटौती करेगी, ठीक है। आगे, अगली चीज, मैं जितने शब्द बोल रहा हूं इन शब्दों पर गौर करिएगा, यहीं से प्रश्न बनते हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय का मतलब होता है इन्फोर्स, लागू कराना, ठीक है। अगर मौलिक अधिकार छीने जा रहे तो आप न्यायालय के पास जाओगे, न्यायालय राज्य सरकार को आदेश देता है कि तत्काल इस व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा मुहैया कराई जाए। अगली बात, राष्ट्रीय आपात के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर शेष सभी मूलाधिकार निलंबित किया जा सकता है। जब आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगा होगा तो उस दौरान भी आपको सारे मौलिक अधिकार नहीं मिलते हैं, केवल 20 और 21 यानी जीने का अधिकार जो आपका है वह नहीं छीना जा सकता। आगे बढ़ते हैं, कुछ मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों को प्राप्त हैं, जबकि कुछ नागरिकों और विदेशी लोगों दोनों को प्राप्त होते हैं, उनमें से 5 मैंने आपको बता दिए हैं, तो ये सभी फीचर आपके मौलिक अधिकारों के हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं, मूल अधिकारों के संशोधन संबंधी विवाद क्या क्या रहे, इन पर व्यापक परिचर्चा करते हैं। चलिए देखिए, इससे जुड़े जो जो वाद रहे, उस वाद में क्या निर्णय हुआ, उन सभी पर हम विधिवत परिचर्चा करेंगे, बहुत ध्यान से सुनते चलिएगा। 1973 सबसे पहले मामला आपके सामने आएगा, 1973 की बात है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का मामला था। इसमें उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया क्या कि संसद मूल अधिकार वाले भाग में संशोधन करने में उतनी ही सक्षम है जितनी संविधान के अन्य भाग का, लेकिन संसद संविधान की आधारिक संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर को ना तो संक्षिप्त कर सकती और ना ही समाप्त कर सकती। इसी में आपसे सवाल पूछता है कि बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किस वाद में दी गई, तो वह वाद आपका 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का रहा, जिसमें आया था, ठीक है। यानी यह भी पूछता है कि किस निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जो है निर्णय किया, किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय किया कि संसद मूल अधिकारों का संशोधन कर सकती है, तो वह भी आपका 1973 है, समझ गए, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार का मामला रहा, राजस्थान राज्य का मामला रहा, 1965 की बात है। इस मामले में क्या हुआ था, सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय दिया कि अपने पूर्ववर्ती निर्णय, जो इससे पहले बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी आई थी, उस थ्योरी पर वह अटल रहा, यानी उसमें परिवर्तित नहीं किया। आगे बात करते हैं, मूल अधिकार में संशोधन को लेकर पहला प्रश्न शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 के मामले में किया गया। सबसे पहला मामला कब आया था, 1951 की बात है, और केस किसका था, शंकरी प्रसाद वर्सेस भारत संघ, 1951 का यह मामला है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में निर्णय दिया कि मूल अधिकार अनुच्छेद 368 के तहत संसद की संशोधन शक्ति के अधीन है, ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान करिएगा जो शब्द मैंने बोला। जो 1951 का आपका मामला रहा शंकरी प्रसाद का, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया कि अनुच्छेद 368 के तहत किसमें, संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है।
आगे देखते हैं, अगला जो इसका मामला रहा यानी अगला जो वाद रहा वह था आपका गोलकनाथ निर्णय। गोलकनाथ जो वाद रहा, इस वाद में क्या हुआ कि संसद द्वारा जो रिजल्ट सामने आया, मतलब संसद ने जो कदम उठाया, वो गोलकनाथ वाद में क्या ऐसी चीजें आई कि संसद ने 24वां संविधान संशोधन के द्वारा ये घोषणा की कि अनुच्छेद 368 के अनुसार पारित संविधान का संशोधन अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 13 के अंतर्गत अनुच्छेद 13 में नन जीरो वाली कंडीशन जो बताई गई है वह चीजें यहीं पर आई, किसके द्वारा? 24वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, इस पर भी सवाल पूछा है। अगली बात करते हैं 1967 की। 1967 में न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में पूर्ववर्ती निर्णय को पलट दिया, यानी इससे पहले जो निर्णय दिया था, और बहुमत से यह निर्णय न्यायालय ने सुनाया कि अनुच्छेद 368 के अधीन संसद या किसी प्राधिकारी को यह शक्ति नहीं है कि वह मूल अधिकारों को न्यून करे या छीन सके। ठीक है, ये चीजें पलट के आ गई। अब वर्तमान स्थिति की हम फंडामेंटल राइट की बात कर लें कि इस समय आपको फंडामेंटल राइट्स में क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखिए, कुछ व्यापक चीजें हैं, इसको समझिएगा, यहां से सवाल आते हैं। वर्तमान स्थिति की अगर मैं आपसे बात करूं तो जो आपकी नवी अनुसूची संविधान की है, इसमें किसी भी अधिनियम के सम्मिलित किए जाने पर भी उस पर इस आधार पर हस्तक्षेप किया जा सकता है कि वह आधारिक संरचना का विनाश करता है। नवी अनुसूची में जो कानून बनाए के रखे जाते उन पर सुप्रीम कोर्ट को रिव्यू का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वहां यह वाद दायर किया जाए और यह बोला जाए कि यह जो कानून बना यह बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी का विनाश करता है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी? रिव्यू करेगी ऐसे मामलों की। यह मामला सुप्रीम कोर्ट को आपका अधिकार है। इतना दूसरी चीज, प्रत्येक मामले में न्यायालय यह विचार करेगा कि क्या मूल अधिकार के संशोधन से संविधान के किसी आधारिक लक्षण का विनाश हो रहा है। यदि विनाश हो रहा है तो विनाश की मात्रा तक जो संशोधन किया जाएगा वह संशोधन शून्य होगा, यानी वह संशोधन कोई प्रभाव नहीं डालेगा, कोई वह संशोधन लागू होगा ही नहीं। आगे बात करें, मूल अधिकारों का संशोधन किया जा सकता है आधारिक लक्षणों के आधार पर, उन्हीं अधिनियमों को अविद्यमान घोषित किया जा सकेगा जो 24/4/1973 के पश्चात पारित किए गए हैं, इससे पहले जो पारित किए गए उन्हें नहीं। समझे, आगे बढ़ते हैं। नागरिकों को उपलब्ध जो आपके मूल अधिकार हैं इनको समझ लीजिए कि नागरिकों को कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 15 आपका उपलब्ध है, यानी धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आपसे भेदभाव का प्रतिषेध है, यह जो है यह नागरिकों को सिर्फ प्राप्त है। ठीक है, दूसरी बात, अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता या अवसर की समता, यानी कोई भी अगर नियोजित होने की बात हो रही है तो वहां पर आपको बराबर का मौका दिया जाएगा। अगली चीज है अनुच्छेद 19 में जो बात कही गई है, वाक स्वतंत्रता, सम्मेलन, संगम, संघ, विचरण, इन सभी की ओर लेकर जो चीजें हैं, वृत्ति की स्वतंत्रता, निवास, ये अनुच्छेद 19 में जो 6 प्रकार के आपके अधिकार हैं वह केवल नागरिकों को मिलते हैं। उसके अलावा अनुच्छेद 29 और 30 की बात करें, अल्पसंख्यकों के संस्कृत और शिक्षा संबंधी जो अधिकार मिले हैं या केवल भारत के निवासियों को मिलेंगे, अन्य किसी देश के निवासी को नहीं। आगे बात करते हैं सभी व्यक्तियों के लिए जो उपलब्ध अधिकार हैं, वहां पर यह ध्यान दीजिए कि यह विदेशी सत्रों पर लागू नहीं होगा। विदेशी दो प्रकार के होते हैं, एक कौन होता है, एक वो विदेशी होते हैं जो हमारे मित्र राष्ट्रों से हैं, और एक वह विदेशी हैं जो हमारे शत्रु राष्ट्र हैं। ठीक है, तो शत्रु राष्ट्र में जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सभी को शत्रु राष्ट्रों में डाला गया है, यानी उनको ये जो अधिकार बोले जा रहे हैं यहां पर मैं बता रहा हूं, ये अधिकार उनको प्राप्त नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं प्राप्त है। दूसरी बात, अनुच्छेद जो 14 है, विधि के समक्ष समता, यानी कानून के नजर में सभी बराबर हैं, कानून सभी पर एक तरीके जैसा होगा, यह हमारे मित्र राष्ट्रों के मित्र जो विदेशी राष्ट्र हैं उनके नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, 20 प्राप्त है उनको अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, 21 का शिक्षा का अधिकार उनको भी है, 23-24 मिला है, यानी यानी जितने भी हैं 25-26-27-28 यानी धर्म की स्वतंत्रता, ये सब कुछ आपके उन नागरिकों को भी मिला है जो हमारे क्या होते हैं, जो हमारे एक तरीके से
मित्र राष्ट्र से आए हुए विदेशी है, उनको भी यह अधिकार दिया गया है। अब कल हम लोग आगे बात करेंगे जो ये अलग अलग तरीके के अधिकार हैं, इन सारे अधिकारों पर हम बहुत व्यापक परिचर्चा करेंगे। आज मैंने सिर्फ आपको भूमिका के बारे में बताया है, इसको आपने सुना होगा ढंग से, तो सारे पॉइंट्स आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कल हम लोग हर एक आर्टिकल में जिसमें क्या बात किसमें क्या कही गई है उन पर परिचर्चा करेंगे। तो इस पूरे लेक्चर को जो फंडामेंटल राइट की सीरीज है बहुत अच्छे से वाच करिएगा, क्योंकि यह आपका एक ऐसा बिंदु है जिसमें, क्योंकि जब आप भाग एक से भाग पांच तक पढ़ते हैं तो भाग एक से भाग पांच तक आपका बहुत अच्छे से समझना भारतीय संविधान को ही समझना है। ठीक है, तो इन चीजों को बहुत ढंग से पढ़िए। बाकी टीम हमेशा प्रयास करती है कि हम आपको शून्य से शिखर की ओर कैसे ले जाए। ठीक है, तो धन्यवाद सभी का, मस्त होकर पढ़ते रहिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। तब तक सभी को ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को भी शेयर करते रहें, जो आपके दोस्त हैं वो भी इनका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद।